हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल हम लोग लास्ट क्लास तक में डिस्कस कर लिए थे अपना यूनिट नंबर थ्री अब आज ए में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर फोर हॉस्टिंग एंड इक्विपमेंट्स तो यूनिट नंबर वन टू एंड थ्री जो हम लोग पढ़े थे वो था बेसिकली आपका एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स इसमें हम लोग अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन के टेक्निक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे अब यूनिट नंबर फोर फाइव सिक्स और सेवन जो हम लोगों का है इसमें हम लोग अब एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की बात करेंगे जो आपके रेगुलर इक्विपमेंट्स के अलावा क्या क्या एडवांस इक्विपमेंट्स आपको पता होना चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर ये हम लोग यूनिट नंबर फोर फाइव सिक्स एंड सेवन में डिस्कस करेंगे जिसमें से यूनिट नंबर सिक्स आपका पहले से ही अपलोड रहे चैनल पे प्ले में तो हम लोग यूनिट नंबर फोर फाइव और सेवन हम लोगों का अब रह गया है तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा आपका हॉस्टिंग इक्विपमेंट कल नेक्स्ट वाले क्लास में जो हम लोगों का एसीटी का होगा उसमें हम लोग करेंगे कन्वेइंग इक्विपमेंट्स इसके बाद आपका हॉस्टिंग एंड कन्वेइंग इक्विपमेंट आपका यूनिट नंबर फोर कम्प्लीट हो जाएगा तो अब हॉस्टिंग इक्विपमेंट्स क्या होता है इससे पहले आप समझिए कि हॉस्टिंग क्या होता है हॉस्टिंग कहते हैं किसी भी प्लेस से किसी भी हैवी मटेरियल को पिक करना और उसको किसी दूसरे लोकेशन पे जाकर के उसको ड्रॉप करना इस पिकिंग जो अगेंस्ट द ग्रेविटी आप पिकिंग करते हैं क्योंकि आपका ग्राउंड पर कोई स्ट्रक्चर रखा हुआ है आप उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी पिक करते हैं किसी लोकेशन पे ले जा करके आप उसको वहां कन्वीनियंटली ड्रॉप करते हैं इसको हम लोग कहते हैं हॉस्टिंग अब इस हॉस्टिंग को करने के लिए हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं क्रेन्स क्रेन ही आपको अलग अलग टाइप के टोटल टेन टाइप्स के हम लोग क्रेन डिस्कस करेंगे ये सारे क्रेन्स अलग, अलग अलग लोकेशन अलग अलग पर्पज़ के हिसाब से हम लोगों के हॉस्टिंग इक्विपमेंट में यूज़ होता है अब ये जो टेन टाइप के हम लोग क्रेंज डिस्कस करेंगे ये आपका सिलेक्शन इसका डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि आपको कौन सा टाइप का क्रेन आप कभी यूज़ करेंगे ये सारा आपके साइट पे आपका लोडिंग कंडीशन कि आप कितना मैक्सिमम लोड आप कैरी करने वाले हैं आपके साइट पे वर्किंग स्पेस कितना है आपका अगर जिब अगर मूव करेगा तो जिब के मूव करने के लिए आपके साइट पे आपको रेडियस उतना अवेलेबल है या नहीं है आपको हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर कितना है आपका वो एरिया किस लोकेलिटी में आपका फिक्सड है आपको उस लोक आपके साइट तक पहुंचने के लिए जो आपका लोकेलिटी है उस पर भी डिपेंड करेगा कि किस तरह का टावर क्रेन आपको अगर आप यूज़ करेंगे वो मूवेबल होगा या इमूवेबल होगा तो ये सारी चीजें आपको इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है इसके बाद आपका जो क्लासिफिकेशन होता है क्रेन का वो भी डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के लोडिंग के हिसाब से भी आप कह सकते हैं हैवी लोड है लाइट लोड है मीडियम लोड है आप व्हीकल का जो टाइप होगा अगर जैसे वो अगर व्हीकल माउंटेड होगा तो वो डीजल ऑपरेटेड होगा या फिर इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होगा ये सारे कंडीशन के हिसाब से भी आपका क्लासिफिकेशन होता है तो हम लोग इन जनरल टोटल टेन टाइप्स ऑफ क्रेन्स डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम में आपको आ सकता है कि एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ क्रेन्स यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन तो टाइप्स ऑफ क्रेन की जब बात करेंगे तो आप चाहे तो उसको क्लासिफिकेशन वाइज भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप ये टेन टाइप्स ऑफ क्रेन भी डिस्कस कर सकते हैं या नहीं जो एग्जाम में कई बार पार्टिकुलरली एक टाइप के क्रेन के बारे में थ्योरी आ जाता है कि अगर आपका फॉर एग्जाम्पल मोबाइल क्रेन है तो मोबाइल क्रेन को आप एक्सप्लेन कीजिए विथ प्रोपर नीचे क्रीन डायग्राम तो फिर आपको मोबाइल क्रेन का स्केच बनाना पड़ेगा और मोबाइल क्रेन की जो छ्योरी हम लोग नोट जो आपको देंगे उससे आपको मोबाइल क्रेन का छोड़ डिस्कस करना पड़ेगा तो हम लोग जो अपने इस क्लास में डिस्कशन करेंगे हम लोग ये सारे टाइप्स का और इसके पार्ट्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे इससे आपको इसका वर्किंग सारे अलग अलग टाइप का समझ में आ जाएगा अब सबसे पहले टोटल हम लोग टेन टाइप्स के जो क्रेन होते हैं उसका पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं ये जो टेन टाइप्स है पहला आपको होता है टावर क्रेन इसमें और फर्दर टाइप्स होते हैं दूसरा होता है क्रॉलर क्रेन थर्ड आपको ट्रक माउंटेड क्रेन फोर्थ गेंट्री जिसको हम लोग ओवरहेड क्रेन भी बोलते हैं फिफ्थ है मार्श क्रेन सिक्स है डेरिक क्रेन सेवंथ है मोबाइल क्रेन एट आपको क्रेन नाइन्थ है स्विंग जिप क्रेन एंड टेंथ है आपका विल्डर्स क्रेन ये टेन टाइप्स के आपके ब्रॉडली जो है क्रेन क्लासीफाई होते हैं अब आपका टावर क्रेन जब आता है तो टावर क्रेन में भी अलग अलग टाइप्स होता है आपको टोटल पांच टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें आपको क्या है सेल्फ सपोर्टिंग स्टैटिक टावर क्रेन जब ये सेल्फ सपोर्टिंग टावर क्रेन होगा सेकेंड जब ये आपको सपोर्टेड होगा मतलब आपको सेल्फ सपोर्ट नहीं हो पाएगा एडिशनल सपोर्ट आपको देना पड़ेगा उसी टावर क्रेन में तो वो हो जाएगा आपको सपोर्टेड स्टैटिक टावर क्रेन उसके बाद आपको रेल माउंटेड टावर क्रेन ट्रक माउंटेड टावर क्रेन और आपको क्लाइंबिंग क्रेन ये पांच टाइप के आपको टावर क्रेन हो जाएंगे फिर जब आप डेरिक क्रेन की बात करेंगे तो आपको गेट ट्रेडिक स्टिफ लेग डेरिक और मोनो टावर डेरिक ये आपको हो जाएंगे डेरिक डेरिक्रेन्स में से तो ये टोटल हम लोग अगर इन जनरल देखा जाए तो हम लोग फोर्टी सेवनटीन टाइप्स के सिक्सटीन टाइप्स के हम लोग क्रेंस का डिस्कशन करेंगे तो हम लोग एक वीडियो इसके बाद से आपका स्टार्ट होगा जिसमें आपको ये टोटल सेवनटीन टाइप्स के जो आपके क्रेन्स होंगे ये सारा एक एक करके आपके स्क्रीन पे आएगा और जिसमें इन सारे के आपको पार्ट्स वगैरह के इमेजेस बना रहेगा और उन सारे चीज़ों का फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टावर क्रेन के बारे में टावर क्रेन आपको हाई राइज बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें आपने कई बार देखा होगा टावर क्रेन को यूज़ होते हुए इन टावर क्रेन्स का काम होता है कि ग्राउंड पे रखे हुए मटेरियल्स को इक्विपमेंट्स को बिल्डिंग के जिस भी फ्लोर पे आपका मैक्सिमम काम हो रहा हो उस फ्लोर तक उस सामान को ईजिली पहुँचाना अब जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे टावर क्रेन्स पांच टाइप्स के होते हैं सेल्फ सपोर्टिंग स्टैटिक टावर क्रेन सपोर्टिंग स्टैटिक टावर क्रेन रेल माउंटेड टावर क्रेन ट्रक माउंटेड टावर क्रेन और क्लाइंबिंग टावर क्रेन हम लोग इन पाँचों के बारे में डिस्कस करेंगे लेकिन इससे पहले हम लोग एक टिपिकल टावर क्रेन के पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उसके बाद हम लोग एक एक -कर करके पाँचों टाइप के टावर क्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे एक टिपिकल टावर क्रेन के इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं टावर बूम काउंटर वेट मशीन डेक स्लीविंग रिंग काउंटर जिम हॉस्ट रोप और गेयर रोप टावर को हम लोग मास्ट भी कहते हैं बूम को जिप भी कहते हैं और स्लीविंग रिंग को टर्न टेबल भी हम लोग कहते हैं अब टावर क्या होता है एक टावर क्रेन में टावर आपका वो वर्टिकल पोर्शन होता है जिसके ऊपर आपका हॉस्टिंग का सारा इक्विपमेंट सेटल्ड होता है टावर क्रेन में बूम या जिब हम लोग कहते हैं टावर क्रेन का जो हॉर्जेंटल पोर्शन होता है जो हॉर्जेंटल आर्म होता है जो स्विंग होता है और जिसके ऊपर आप जो वेट्स आते हैं उसको हम लोग कहते हैं जिब या फिर बूम फिर टावर क्रेन के कैंटिलीवर जिब या बूम को सपोर्ट करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में काउंटर कुछ लेंथ प्रोवाइड किया जाता है और उस लेंथ के सबसे एंड वाले पोर्शन पे आपको कुछ कंक्रीट ब्लॉक से वेट दिया जाता है तो ये जो काउंटर लेंथ जो आपके जिब या बूम के अपोजिट में जो एक्सटेंड होता है उसको हम लोग काउंटर जिप कहते हैं और जो वेट उसके एंड पे दिया जाता है ताकि जो वेट आपके टावर क्रेन से लिफ्ट होने वाला है उससे वो कैंटिलीवर इफेक्ट से वो टावर क्रेन एक तरफ गिर ना जाए उसके लिए वो काउंटर वेट दिया जाता है ताकि वो बैलेंस बना रहे वेट का तो उसको हम लोग कहते हैं काउंटर वेट तो जो ऑपोजिट आम निकलता है उसको हम लोग काउंटर जिब कहते हैं और जो ऑपोजिट साइड में जो वेट दिया रहता है उसको हम लोग काउंटर वेट कहते हैं नेक्स्ट पार्ट है आपका मशीन डेक मशीन डेक को हम लोग ऑपरेटर्स केबिन भी कहते हैं इसमें आपके जो ऑपरेटर होते हैं जो टावर के उनको ऑपरेट करते हैं वो इसमें वर्किंग इसका उनका वर्किंग का प्लेस होता है ये ऑपरेटर्स केबिन अब ये ऑपरेटर्स केबिन काउंटर्स जिब और जिब ये तीन पोर्शंस कंबाइन जो होते हैं ये आपके टावर क्रेन के वो पोर्शंस होते हैं जो मूवेबल होते हैं जो आपको किसी भी डायरेक्शन में थ्री सिक्सटी डिग्री रोटेट करके वेट्स को किसी भी पॉइंट से पिक करते हैं और टावर में किसी भी पॉइंट पे आपको ड्रॉप करते हैं अब ये तीनों जो पॉइंट्स होते हैं काउंटर जिब जिब और आपका ऑपरेटर्स डेक ये तीनों आपको टावर क्रेन के ऊपर जो रोटेट करते हैं ये रोटेट करते हैं वो स्लीविंग रिंग के हेल्प से स्लीविंग रिंग का, का काम होता है कि ये टावर क्रेन के सबसे टॉप पोर्शन पे जो फिक्स टावर क्रेन है उसके टॉप पोर्शन पे आपको एक रोटेट करने के लिए वहाँ पर जो सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है वो कहलाता है आपका स्लीविंग रिंग स्लीविंग रिंग को हम लोग टर्न टेबल भी कहते हैं इसके बाद आता है लफिंग जिब लफिंग जिब कहते हैं कि जो आपका बूम या जिब होता है ज, ए, दो टाइप का आपका बूम हो सकता है या तो वो आपको काउंटर बूम के साथ काउंटर जिप के साथ वो बिल्कुल स्ट्रेट हो सकता है उसमें आपको जो मूवमेंट है वो वर्टिकली मूवमेंट नहीं हो सकता है वो सिर्फ अपने एक्सेस पे 360 डिग्री रोटेट कर सकता है तो उसको हम लोग कहते हैं बूम या फिर जिब लेकिन जब आपका ये बूम या जिब जब ये 360 डिग्री रोटेट करने के अलावा जब ये अपने पोजीशन से भी आपको ऊपर या नीचे मूव कर सकता है जब ये आपको काउंटर बूम के साथ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो और इसमें और भी रोटेशन थ्री डायमेंशनल रोटेशंस हो सकते हैं तो उस तरह के जिब को हम लोग कहते हैं लफिंग जिब जैसा कि हम लोग इमेज में जो देख रहे हैं वो जो आपका जिब है उसको हम लोग कहेंगे लफिंग जिब और जो आपका ये इमेज आ रहा है स्क्रीन पर इस पर जब आपको बिल्कुल स्ट्रेट आपका जिब जा रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं जिब या फिर बूम तो लफिंग जिप को कई बार पीछे काउंटर जिप प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि काउंटर जिप का मेन पर्पज़ होता है कि जो आपका आगे जिप एक्सटेंड हो रहा है वो आपको उसको बैलेंस करने के लिए क्योंकि एडिशनल उसमें जो हम लोग काउंटर वेट्स देते हैं तो उसका लेंथ उतना नहीं रखना पड़ता है जितना हम लोगों का कैंटिलीवर जिप का लेंथ निकला हुआ होता है तो जो लफिंग जिब होता है उसमें आपको कई बार काउंटर जिब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके बदले जो आपका स्लीविंग रिंग से ऊपर में एक स्लीविंग टावर एक्सटेंड कर दिया जाता है और उस स्लीविंग टावर से आपको गेयर रोप और हॉय रोप उसमें से निकले रहते हैं जो आपके आर्म को सपोर्ट किए रहते हैं तो वो जो सपोर्ट का, का काम पहले आपको काउंटर जिप करता था वो कई बार आपको जब लफिंग जिब आप यूज़ करते हैं तो उसमें गेयर रोप और आपका हॉय रोप ऐड हो जाता है इनका काम भी आपके जिब को सपोर्ट करना होता है अब टावर क्रेन का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है फाउंडेशन इसी फाउंडेशन के बेसिस पे आपके टावर क्रेन जो है वो पांचों पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं जिसको हम लोग सेल्फ सपोर्टिंग स्टैटिक टावर क्रेन डिस्कस किए थे सपोर्टिंग टावर स्टैटिक टावर क्रेन डिस्कस किए थे और बाकी तीनों टाइप्स डिस्कस किए थे अब हम लोग एक एक करके इसी फाउंडेशन के बेसिस पे हम लोग पाँचों टाइप्स के टावर क्रेन डिस्कस करते हैं सबसे पहला होता है सेल्फ सपोर्टिंग स्टैटिक टावर क्रेन सेल्फ सपोर्टिंग स्टैटिक टावर क्रेन में आपके जो फाउंडेशन होते हैं जो हम लोग पार्ट्स जो डिस्कस किए वो सारे पार्ट्स आपको सिमिलर होंगे बाकी सारे टाइप के टावर क्रेन्स में जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस इसी फाउंडेशन का आता है कि ये टावर जो आपके टावर क्रेन का होता है वो किस पे सपोर्टेड होता है तो वो आपको सपोर्टेड जब आपके कंक्रीट फाउंडेशन पे होता है और आपके टावर क्रेन को किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है जब आपके टावर को आपके बिल्डिंग से सपोर्ट नहीं देना पड़ता है तो वो कहलाता है आपका सेल्फ़ सपोर्टिंग स्टैटिक टावर क्रेन इसके नाम में ही मतलब है कि सेल्फ सपोर्टिंग है मतलब ये टोटल टावर क्रेन जो है ये सिर्फ अपने फाउंडेशन अलोन पे ही आपको स्टैंड करता है तो इसमें आपके फाउंडेशन का डेप्थ फाउंडेशन का रेनफोर्समेंट इंपॉर्टेंट होता है जो सारी चीज़ें आपको जो फाउंड जो टावर क्रेन होती की जो कंपनीज़ होती हैं उनसे आपको ये लोड का टोटल डेटा आपको मिलता है कि इतना लोड और इतना मैक्सिमम मोमेंट इससे ट्रांसफ़र हो सकता है जिसके लिए आपको फाउंडेशन डिज़ाइन करना पड़ता है और उसमें रेनफोर्समेंट और थिकनेस आपको शेयर और पंचिंग सबको ध्यान में रखते हुए निकालना पड़ता है जनरली जो सेल्फ सपोर्टिंग स्टैटिक टावर क्रेन होते हैं उनका फाउंडेशन का डेप्थ आपको 1.5 मीटर से कम का नहीं होता है इसकी मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी 20 टन्स की होती है 20 टन्स आपको टावर से जितना आप क्लोज रहेंगे उतना आपका टावर क्रेन का कैपेसिटी आपका इंक्रीज होता है जो मैक्सिमम हम लोग वेट की बात करते हैं ये मैक्सिमम वेट आपके टावर क्रेन के बिल्कुल एज से जो आप जहाँ से सबसे मिनिमम डिस्टेंस से आप लोड कैरी कर सकते हैं वहाँ का कैपेसिटी होता है जैसे जैसे आप कैंटिलीवर पोर्सन में एज के तरफ जाते हैं वैसे वैसे आपके टावर क्रेन का लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि आप कैंटिलीवर में जितना एंड पे जा करके पॉइंट लोड्स पिक करेंगे उतना उस टावर क्रेन में मोमेंट इंक्रीज होता जब जाएगा। इसलिए जितना आप एंड की तरफ जाएंगे एज की तरफ जाएंगे उतना आपका लोड रिड्यूस होता जाएगा ताकि आपका मोमेंट बैलेंस होता रहे आप जितना क्लोज रहेंगे उतना लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आपका मोमेंट आता है आप जितना क्लोज रहेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम रहेगा लोड ज्यादा रहेगा वो मोमेंट उतना ही रहेगा जब आप एज पे जाएंगे तो आपको मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी उस टावर क्रेन का बता दिया जाता है कि एज पे आप इससे ज्यादा काउंटर वेट नहीं ले सकते हैं तो अगर आपका 20 टनस आपके अगर एंड का अगर आपको एक टावर के बगल का अगर आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी है तो जब आप उसको एज पे जाएंगे तो वो आपका फोर टन हो जाता है वो रिड्यूस हो जाता है तो जितना आपके टावर ये जिब का आपका डिस्टेंस होगा हॉरिजेंटल, उतना आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस होता जाएगा इन जनरल आपका फ़ोर टन से ज़्यादा का किसी भी एज पे लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं होता है किसी भी टावर ट्रेन में अब सेकेंड आता है आपका सपोर्टेड स्टैटिक टावर क्रेन जब आपका टावर क्रेन का हाइट 80 मीटर से एक करता है तो फिर आपके टावर क्रेन को सेल्फ सपोर्टिंग फाउंडेशन पे अलोन नहीं बनाया जा सकता है फिर उसको आपको जो आपके जिस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में आप उसको यूज़ कर रहे हैं फिर उस बिल्डिंग में आपको उसको तीन बार या चार बार आपको उसको इंटरवल्स पर सपोर्ट देना होगा ताकि उसमें जो एडिशनल हाइट की वजह से जो मोमेंट जनरेट होता है जो सिलेंडरनेस उसमें आता है उसको काउंटर किया जा सके तो सेल्फ़ सपोर्टिंग और सपोर्टिंग दोनों ही आपको टावर क्रेन्स का फंक्शन एंड पार्ट्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है सेल्फ सपोर्टिंग टावर क्रेन के अदरवाइज अगर कैलकुले वैल्यूज़ की बात करें तो सपोर्टिंग स्टैटिक टावर क्रेन में मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी 18 टन हो जाता है उसके हाइट के वजह से उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है अदरवाइज़ उसके बाकी सारे फंक्शंस जो आप सेल्फ सपोर्टिंग स्टैटिक टावर क्रेन में डिस्कस करते हैं वही आपका सपोर्टिंग स्टैटिक टावर क्रेन में भी डिस्कस होता है जो इसमें डिफरेंस आता है वो आता है जो आपके इंटरवल्स पे आप सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं टावर्स को जो बिल्डिंग के बीम्स बने हुए होते हैं कॉलम्स बने हुए होते हैं उसके जंक्शन पर आप उसको सपोर्ट कराते हैं और जो बिल्डिंग आप जब डिज़ाइन करते हैं जब आपको पता होता है कि बिल्डिंग की हाइट एटी मीटर से ज़्यादा की है तो आपको पता होगा कि उसमें सेल्फ सपोर्टिंग स्टैटिक टावर क्रेन नहीं यूज़ हो सकता है तो डिज़ाइन इंजीनियर को उस स्टैटिक टावर क्रेन में जो आप इंटरवल्स पर उसको सपोर्ट देते हैं उसके वजह से जो हॉर्जेंटल लोड ट्रांसफर होगा आपके बीम्स और कॉलम्स में उसके लिए वो एडिशनल लोड्स आपके बिल्डिंग्स में उसको पहले ही लेना पड़ता है अदरवाइज अगर आप बिल्डिंग में ये कंसिडर नहीं करते हैं कि इसमें सपोर्टिंग स्टार्टिंग टावर क्रेन लगेगा और कल को अगर आप इसमें जब टावर क्रेन लगाते हैं जब आप उससे सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो उसके हॉरिजेंटल लोड की वजह से आपके वो बीम्स एंड कॉलम्स फेल हो सकते हैं इस तरह के टावर क्रेन का जो बिल्डिंग से मिनिमम डिस्टेंस होगा वो आपको दो मीटर्स का होता है और जो हम लोग उसमें सबसे फर्स्ट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बिल्डिंग्स के बिल्डिंग से उसका हाइट जो है ग्राउंड से वो आपके उस टोटल टावर क्रेन के हाइट के फिफ्टी से ज़्यादा हाइट पर आपका फर्स्ट सपोर्ट नहीं हो सकता है आपका फर्स्ट सपोर्ट आपको फिफ्टी परसेंट हाइट के अंदर ही प्रोवाइड करना होगा फॉर एक्जाम्पल अगर आप हंड्रेड मीटर का टावर क्रेन यूज कर रहे हैं तो आपको फिफ्टी मीटर के पहले ही आपको फर्स्ट वाला जो टाई है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा फिर सेकेंड वाला टाई आपको फर्स्ट वाले टाई से सेकेंड वाले टाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम थर्टी परसेंट ऑफ द टावर क्रेन हो सकता है फिर थर्ड वाला टाई से सेकेंड वाले टाई के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टावर हाइट होता है मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सपोर्ट्स का जो डिस्टेंस होगा वो आपको क्लोज होता जाएगा और फिर एवरी अगर आपको बहुत ज़्यादा हाइट का टावर क्रेन यूज करना है तो आपको एवरी टेन मीटर के आपको इंटरवल्स पर आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा आपके बिल्डिंग से फिर सर सबसे लास्ट वाला टाई आप प्रोवाइड करेंगे टावर क्रेन को सपोर्ट करने के लिए वहाँ से लेके आपके काउंटर जो आपका जिब होता है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो आपको 75 परसेंट ऑफ द फ्री स्टैंडिंग हाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अब थर्ड टाइप का टावर क्रेन होता है रेल माउंटेड टावर क्रेन सेम पहले दोनों टाइप के टावर क्रेन के जैसा इसमें भी सारे पार्ट्स और सारा फंक्शन इसका सिमिलर होता है जैसे आपका स्टैटिक सेल्फ सपोर्टिंग स्टैटिक टावर क्रेन था और आपका सपोर्टेड स्टैटिक टावर क्रेन था जो डिफरेंस इसमें आता है वो आता है आपको लोड कैरिंग कैपेसिटी और इसके फाउंडेशन में इसका फाउंडेशन आपको कॉन्क्रीट का स्टैटिक फाउंडेशन नहीं होता है जैसे हम लोग पहले दो टाइप डिस्कस करते उसमें आप वर्ड देख रहे थे स्टैटिक स्टैटिक का मतलब है कि आप इस टावर क्रेन को मूव नहीं कर सकते हैं रेल माउंटेड टावर ट्रेन को हम लोग मूव कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे केयरफुली उसको रेल के थ्रू हम लोग मूव कर सकते हैं इसके वजह से इसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है वो आपको 20 टन से रिड्यूस होकर के 10 टन आपका मैक्सिमम वेट हो जाता है जो कि एंड्स पे आपको 2.5 टन से ज़्यादा आप कैरी नहीं कर सकते हैं इसका जो मूवमेंट होता है ये आपको फोर्टी टू फोर्टी फाइव मीटर एवरी मिनट्स में आपको मूव कर सकता है और जो इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का है वो होता है कि क्योंकि हम लोग इसमें कंक्रीट के फाउंडेशंस नहीं प्रोवाइड करते हैं तो जो लोड्स और जो मोमेंट्स आपके आते हैं लोड्स कैरी करने के वजह से उस लोड और मोमेंट को काउंटर करने के लिए हम लोगों को फाउंडेशन में जहाँ पे इसका रेल माउंटेड ये रहता है उसके ऊपर में एक्स्ट्रा काउंटर वेट्स अलग से प्रोवाइड करना पड़ता है जो लोड और मोमेंट्स को रजिस्ट करता है एक काउंटर वेट हम लोग जो ऊपर प्रोवाइड करते हैं काउंटर जिप में वो प्रोवाइड करते हैं जो आपका लोड कैरी करता है उसको बैलेंस करने के लिए बट आपके जो टावर क्रेन में जो उसके हाइट के वजह से जो उसमें लोड और मोमेंट्स आते हैं जो उस काउंटर वेट से काउंटर नहीं होकर के जो एक्स्ट्रा मोमेंट्स डेवलप रहते हैं उसके लिए हम लोग स्टैटिक जो टावर ट्रेन यूज कर रहे थे उसमें हम लोग फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहे थे फाउंडेशन जब आपको ट्वेंटी डेज स्ट्रेंथ हो जाता है उसका तो फिर वो लोड और मोमेंट को रजिस्ट कर सकता है रेल माउंटेड टावर क्रेन में हम लोग यही सारे काम जो है वो उसी फाउंडेशन डेप्थ और उसी फाउंडेशन वेट के अप्रोक्सीमेटली इक्वल वेट हम लोग काउंटर वेट प्रोवाइड करते हैं बॉटम में जिससे आपका वो टावर क्रेन जो है वो स्टेबल रहता है इसके बाद आता है ट्रक माउंटेड टावर क्रेन ट्रक माउंटेड टावर क्रेन आप यूज़ करते हैं जब आपके कंस्ट्रक्शन साइट का जब आपके बिल्डिंग जिसको आपको कंस्ट्रक्ट करना है उसका हाइट आपका इतना ज़्यादा नहीं होता है कि आप एक स्टैटिक टावर क्रेन का इंस्टॉलमेंट को जस्टिफाई कर सकें फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्टैटिक टावर क्रेन एट्टी मीटर के मैक्सिमम हाइट तक आप यूज़ कर सकते हैं बट अगर आपके बिल्डिंग का हाइट अगर ट्वेंटी मीटर है या थर्टी मीटर है और वहाँ पर आपको लोड या इक्विपमेंट्स कैरी करने में भी ट्रबल होने वाला है तो वैसे केसेस में आपको एक क्रेन का यूज़ तो करना पड़ेगा बट आपको स्टैट टावर के नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन का जो कॉस्ट होगा वो आपके बिल्डिंग के कॉस्ट के अगर कॉस्ट्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा तो वो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे वैसे केसेस में जो हम लोग क्रेन्स यूज करते हैं टावर क्रेन्स उसको हम लोग कहते हैं ट्रक माउंटेड टावर क्रेन ट्रक माउंटेड टावर के आपको लाइट वेट्स कैरी करने के लिए होते हैं लेस हाइट कैरी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और इसमें दो चीज़ का ध्यान रखा जाता है पहला कि आपको जो टावर जो उसमें प्रोवाइड किया जाता है मास्ट वो आपको टेलीस्कोपिक मास्ट प्रोवाइड किया जाता है ताकि एक मास्ट का अगर आपको फॉर एग्जाम्पल वन मीटर अगर उसका विथ है तो उसके अंदर आपको नाइन हंड्रेड एम का विथ का एक मास्ट इंसर्ट किया रहे जैसे हम लोग टेलीस्कोपिक प्रॉप के बारे में पढ़े थे कि आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं वैसे ही इसमें भी टेलीस्कोपिक आर्म होता है टेलीस्कोपिक टावर होता है जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना होता है कि इसमें जब आपके आर्म्स को कम्प्लीटली फ्री कर लेते हैं और लोड कैरी करने वाले होते हैं उसके पहले आपके टायर्स जो हैं वो आपके ग्राउंड से ऊपर रेस किए जाने चाहिए जैक्स के या फिर आउटरिगर्स के हेल्प से जैक्स के हेल्प से इसलिए किया जाता है क्योंकि आपके जब आप उसको लोड कैरी करेंगे तो आपके टायर्स उस एडिशनल प्रेशर को नहीं बियर कर सकेंगे तो टायर्स के बदले आपके ट्रक में आपको जैक्स लगे होते हैं जैसे आप फायर टेंडर व्हीकल्स में देखते हैं वो जैक्स आपको ग्राउंड में जाकर के इंसर्ट हो जाते हैं चार जैक्स आपको लगे होते हैं और वो इंसर्ट होकर के आपके ट्रक के टायर्स को ग्राउंड से ऊपर रेस कर देते हैं और सारा लोड जो है वो ग्राउंड में उस जैक्स के थ्रू ही आपको ट्रांसफ़र होता है इसके बाद जो लास्ट टाइप का टावर क्रेन होता है वो होता है क्लाइंबिंग टावर क्रेन क्लाइंबिंग टावर क्रेन में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि उसमें जो टावर पोर्शन है वो आपके बिल्डिंग्स में पहले ही होल्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं स्लॉट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जहां उनको इंस्टॉल किया जाएगा और वो उनका जो सबसे बॉटम पोर्शन होता है वो आपको स्टील गर्डर्स पे सपोर्टेड होता है फिर वो स्टील गर्डर्स आपके बिल्डिंग के बीम्स एंड कॉलम्स पे आपको जा के सपोर्ट होते हैं और उसमें आपको लोड जो होता है वो उस कॉलम के थ्रू उसके फाउंडेशन से ट्रांसफ़र होते हुए ग्राउंड में ट्रांसफ़र हो जाता है तो जब आपको क्लाइंबिंग टावर क्रेन इंस्टॉल करना होता है बिल्डिंग में तो एक तो पहले से उसका प्लानिंग करके रखा जाता है और फिर उसके बाद आपके स्ट्रक्चर में उसमें जो लोड आने वाला होता है उस टावर क्रेन का जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है आपको क्लाइंबिंग टावर क्रेन का वो आपको टेन टन होता है फाइव टू टेन टनस तो उस टेन टन्स के लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जो गर्डर से वो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा कॉलम्स पर वो वो सारे कैलकुलेशन करते हुए आपके बिल्डिंग के कॉलम्स में वो एडिशनल लोड प्रोवाइड किया जाता है और फिर उस लोड को फाउंडेशन भी उस लोड के अकॉर्डिंगली डिजाइन किया जाता है है एक बार जो आप टावर में जो आप टावर का लोड आप कॉलम्स में और फाउंडेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं इस तरह के बिल्डिंग्स में जो आप टावर क्रेन यूज करते वो यूज नहीं करके जब आप बिल्डिंग्स में इंटरनली आप इसको फिक्स कर रहे हैं तो इसमें आपको फाउंडेशंस और कॉलम जो पार्टिकुलरली उस टावर क्रेन एरिया में होल्ड कर रहे हैं उनका फाउंडेशंस और कॉलम का जो, जो साइज होता है वो आपको ज्यादा रिक्वायर्ड होता है ये हम लोग कब यूज़ करते हैं जब हम लोगों का बिल्डिंग का हाइट बहुत ही ज़्यादा होता है जिसमें आपको सपोर्टेड आपको टावर क्रेन प्रोवाइड करके भी आपको बिल्डिंग में इफ़ेक्टिवली आप उसको कॉस्ट इफ़िशियंटली आप यूज़ नहीं कर सकते हैं उस केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं क्लाइंबिंग टावर क्रेन क्लाइंबिंग टावर क्रेन इजी टू इंस्टॉल होता है ये अलग अलग पार्ट्स में आप इसको असेंबल कर सकते हैं और इसमें हाइड्रोलिक के हेल्प से जो आपका मूवमेंट होता है अपवर्ड्स टावर क्रेन का वो आपको हाइड्रोलिक्स के हेल्प से किया जाता है तो ये था आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ टावर क्रेन जो हम लोग अपने बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं तो फर्स्ट जो क्रेन हम लोग यूज़ करते थे वो था आपका टावर क्रेन उसमें हम लोग पाँच पार्ट्स डिस्कस कर लिए अब जो सेकेंड टाइप का क्रेन हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है आपका क्रॉलर क्रेन क्रॉलर क्रेन आपको यूज़ करते हैं जब आपके बिल्डिंग का हाइट ज़्यादा नहीं होता है और लोड जो कैरी करना होता है वो ज़्यादा कैरी करना होता है तो उस केसेस में हम लोग क्रॉलर व्हीकल पे माउंटेड क्रेन्स को यूज़ करते हैं क्रॉलर क्रेन्स के तीन मेजर सेक्शंस होते हैं बेस फ्रेम सुपर स्ट्रक्चर एंड बूम स्लीविंग रिंग और क्रॉलर व्हील्स को कंबाइन करता हुआ एक यूनिट को हम लोग बेस फ्रेम कहते हैं इसके ऊपर आपका स्लीविंग रिंग के ऊपर आपका रेस्ट करता है सुपर स्ट्रक्चर जिसमें आपको ऑपरेटर केबिन इंजन गेयर्स विंचेस और काउंटर वेट्स आपको प्लेस जाते हैं और बूम होता है जो आपका फ्री आर्म होता है जिसमें जिसके थ्रू आप वेट को पिक करके 360 डिग्री रोटेट करके किसी भी लोकेशन पे ड्रॉप करते हैं उसको हम लोग बूम कहते हैं तो ये तीन पार्ट्स आपके क्रॉलर क्रेन्स के मेजर्स होते हैं ये 360 डिग्री रोटेट कर सकता है क्योंकि ये क्रॉलर व्हील्स पे आपको माउंटेड है ये व्हीकल्स पे आपके माउंटेड है तो ये आपको साइड पे कहीं भी वे वेट्स को पिक करके आपको मूव करके इसको सेम जैसे आप रेल माउंटेड टावर क्रेन यूज़ करते उसी सेम फंक्शन से आप क्रॉलर क्रेन यूज़ कर सकते हैं बट रेल माउंटेड टावर क्रेन में लिमिटेशन था कि जहाँ पर आप पहले से रेल इंस्टॉल करेंगे उस पोजिशन पर आप उसको मूव कर सकते हैं क्रॉलर व्हील्स में यूज़ करते हुए क्रॉलर ट्रेन का फायदा होता है कि आप अपने साइट के किसी भी लोकेशन पर आपको जहाँ पर भी किसी हैवी इक्विपमेंट या मशीनरी को ड्रॉप करना होगा आप वहाँ पर क्रॉलर क्रेन यूज करते हुए ड्रॉप कर सकते हैं क्रॉलर क्रेन्स का मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको अप टू 150 160 वन, फिफ्टी, वन टन्स का हो सकता है क्रॉलर क्रेन्स हम लोग वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम लोगों का साइड पे जो ग्राउंड सर्वेस है वो अनइवन होगा इसके बाद आपका आता है ट्रक माउंटेड क्रेन्स ट्रक माउंटेड क्रेन्स और क्रॉलर क्रेन्स में डिफरेंस बेसिकली आपको सर्फेस का होता है जो आप सर्फेस जैसे आप क्रॉलर क्रेन्स यूज़ करते हैं तो आप अन इवेंट सर्फेस पर भी क्रॉलर क्रेन्स यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें क्रॉलर व्हील्स लगे होते हैं लेकिन क्योंकि इसमें फॉर्म व्हील्स आपके लगे होते हैं ट्रक माउंटेड क्रेन में तो ट्रक माउंटेड क्रेन के लिए आपको फॉर्म सर्फेस की जरूरत होती है और उसमें भी आपको आउटरीगर्स के हेल्प से सारा लोड ग्राउंड पर ट्रांसफर किया जाता है नेक्स्ट है आपका गैंट्री क्रेन्स जिसको हम लोग ओवरहेड क्रेन्स भी कहते हैं ओवरहेड क्रेन्स आपको फैक्ट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होते हैं और इस तरह के क्रेन्स में मेन पार्ट्स दो तरह के होते हैं पहला ब्रिज और दूसरा क्रैब जो ब्रिज वाला पोर्शन होता है वो कंसिस्ट करता है आपको मेन गर्डर्स का वो गर्डर्स कभी सिंगल गर्डर के भी हो सकते हैं डबल गर्डर के भी हो सकते हैं और वो आपको एंड पे जा करके के गेंट्री रेल्स पर आपको सपोर्टेड रहते हैं क्रैब आपका वो होस्टिंग पोर्शन होता है जिससे आपको पुलिस नीचे जा कर के आपके किसी भी इक्विपमेंट को जिसको आपको पिक करना होता है उसको पिक करते हैं और आपको किसी भी फैक्ट्रीज में जहाँ पर आप उसे यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर किसी भी डिजायर्ड लोकेशन पर उसको ड्रॉप करना होता है ये सारा काम आपके का होता है क्रैब आपके गर्डर्स पे मूव करता है जो आपका ब्रिज पोर्शन का जो गर्डर होता है और ब्रिज पोर्शन का जो गर्डर है वो आपके गेंट्री गर्डर्स पे मूव करता है तो इस तरह से आपके गेंट्री गर्डर्स में थ्री डायमेंशनल मूवमेंट होता है ये तीनों डायमेंशनल मूवमेंट जो आपको एक्स डायरेक्शन में आपके क्रैब मूव करते हैं गर्डर्स के ऊपर वाई डायरेक्शन में जब आपका गर्डर मूव करता है गेंट्री गर्डर के ऊपर और जेड डायरेक्शन में जब आपका क्रैब किसी भी इक्विपमेंट को पिक करके अगेंस्ट द ग्रेविटी जब उसको ऊपर की तरफ फोल करता है तो वो आपको जेड डायरेक्शन का मूवमेंट होता है नेक्स्ट है मास्ट क्रेन मास्ट क्रेन आपको टावर क्रेन के सिमिलर ही होता है बस उसका फंक्शन और उसका जो कैपेसिटी और साइज होता है वो आपको टावर क्रेन से बहुत ही कम होता है मास्ट क्रेन का जो जिब का लेंथ होता है वो 15 मीटर लॉन्ग होता है उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी जो एजस्ट पे होता है वो आपको 550 फिफ्टी से ज्यादा का नहीं होता है और उसका जो वर्किंग रेडियस होता है जिस रेडियस में वो वर्क कर सकता है वो नाइन पॉइंट मीटर का मैक्सिमम हो सकता है मास्ट क्रेन को हम लोग मूवमेंट दे सकते हैं ट्रॉलीज़ के हेल्प से उसमें व्हील्स के हेल्प से क्यों टावर क्रेन में हम लोग उसको मूवमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते थे तो मास्ट क्रेन का वर्किंग और टावर क्रेन का वर्किंग बिल्कुल सिमिलर होता है सिर्फ उसमें डिफरेंस होता है कि आपके क्रेन्स का इजी मूवमेंट ये मास्ट क्रेन्स आपको फ्लोर से सपोर्टेड होंगे क्योंकि मास्ट क्रेन्स में हम लोग हैवी फाउंडेशंस नहीं देते हैं ये आपको व्हील्स पर मूव करते हैं तो ये आपको बिल्डिंग से सपोर्टेड ही आपको वर्क कर सकेंगे नेक्स्ट है डेयरी क्रेंस डेयरी क्रेंस आपके फिक्स्ड क्रेंस होते हैं जो आप साइड्स पे यूज़ करते हैं जब आपको बहुत ही स्मॉल रेडियस में हैवी इक्विपमेंट्स को यूज़ करना हो जैसे आपके फैक्ट्रीज़ के इंस्टॉलेशन में टिम्बर लॉक्स वगैरह को किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर रखने में इन सारे जगह पर आप यूज़ करते हैं डेयरी क्रेंस डेयरी क्रेंस में आपको एक बुलविल होता है जो बुलविल से जो आपका बूम या जिब होता है वो आपको 360 डिग्री रोटेट कर सकता है इसमें आपको इम्पोर्टेंट रोल गे वायर्स का होता है गे वायर्स ही आपके बूम को आपके मार्च से सपोर्टेड रखते हैं और लोड को इफ़िशेंटली ट्रांसफर करने में हेल्प रखते हैं और स्टेबिलिटी को मेनटेन रखने में हेल्प करते हैं डेरिक क्रेंस आपको तीन टाइप्स के जनरली होते हैं गेट स्टिफ डेरिक स्टिफ लेग डेरिक एंड मोनोटावर डेरिक गेट डेरिक क्रेन्स में आपके जिप का स्टैंडर्ड लेंथ थर्टी मीटर का होता है और इनका वर्किंग लोड नंबर ऑफ गेज पे डिपेंड करता है अदरवाइज जनरली टेन टन टू फिफ्टीन टन गेज डेरिक का आपका मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है स्टिफ लेग डेरिक में गेय को रिप्लेस करके आपको एडिशनल उसमें मास्क प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और मोनो टावर डेरिक होते हैं जब आप एक सिंगल मास्क से आपके जिब बॉटम में सपोर्टेड रहता है और उससे आप लाइट वेट्स कैरी कर सकते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग मोनो टावर डेरिक क्रेन तो ये है आपके टाइप्स ऑफ डेयरिक्रेंस नेक्स्ट है आपका मोबाइल क्रेंस मोबाइल क्रेंस आपको ट्रक माउंटेड क्रेन के सिमिलर ही होते हैं उसमें आपको टेलीस्कोपिक बूम प्रोवाइडेड होता है और इसका बेसिक फंक्शन ट्रक माउंटेड क्रेन के जैसा ही होता है नेक्स्ट आपको गोलियत क्रेंस गोलियत क्रेंस आपको गेंट्री गर्डर्स के सेम होते हैं सिमिलर होते हैं गेंट्री क्रेन्स के जैसा ही इनका भी फंक्शन होता है और नेक्स्ट है आपको स्विंग जिप क्रेंस स्विंग जिप क्रेन्स आप इमेज में देख पा रहे होंगे ये वर्कशॉप्स में इंटरनल लोड्स को मूवमेंट करने के लिए स्मॉल रेडियस में आपको यूज किए जाते हैं और नेक्स्ट है आपका विल्डर्स क्रेन विल्डर्स क्रेन आपको बेसिकली एक टिपिकल क्रेन के जैसा नहीं होता है ये विल्डर्स एक डिवाइस होता है जो आप गेंट्री गर्डर्स में यूज़ करते हैं और आप गोलियत क्रेन में भी यूज़ करते हैं कई बार आप बिल्डिंग्स वगैरह में या फैक्ट्रीज वगैरह में सिर्फ विल्डर्स का यूज़ करके भी हैवी वेट्स को किसी एक लोकेशन से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक आप वर्टिकली उसको मूव करते हैं तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेन्स जो हम लोग हॉस्टिंग इक्विपमेंट्स में डिस्कस किए थे तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं आई होप आज जो हम लोग कन इक्विपमेंट्स डिस्कस किए हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा थैंक यू